फूला देवी रामप्रसाद यादव पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया सरस्वती पूजन एवं वार्षिक उत्सव समारोह। जी आपको बता दें, जनपद संत कबीर नगर के दनगटा तहसील क्षेत्र के हैसर विकास खंड के अंतर्गत शनिवार के दिन फूला देवी रामप्रसाद यादव पब्लिक स्कूल दौलतपुर उमरिया बाजार में सरस्वती पूजन एवं वार्षिक उत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का मंत्र मुग्ध कर दिया। आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रबंधक राम सिंह यादव ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार के बढ़ने के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रमों से छात्रों की छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें दहेज प्रथा को लेकर के बच्चों ने नाटक प्रस्तुत की तो एक अलग ही उत्साह नजर आया। इसी बीच कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रभुनाथ ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दनघटा के क्षेत्रीय लोक प्रिय विधायक गणेश चंद्र चौहान व विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे पौली के ब्लॉक प्रमुख राम मिलन यादव, राहुल यादव बादल, डॉक्टर महेश लाल सिन्हा, वीरेंद्र यादव, राणा प्रताप सिंह, रविशंकर यादव, मुसाफिर यादव, हरिराम यादव, सभापति चौहान, अशोक अग्रहरी, पुष्पा देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य उमरिया बाजार दीवांश पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजमती यादव और विद्यालय परिवार के सोनम मौर्य, मीरा चौहान, मोहब्बत सुजल, अमर सिंह यादव, रविंदर यादव, सोनी दुबे, संजना मौर्य, ममता पूजा, जय सिंह यादव, मेवाराम यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, दनघटा से अमित प्रताप मिश्र की रिपोर्ट। आप सभी का अभिवादन करते हुए इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो भैया बहने हैं, इन भैया बहनों का भी स्नेह भरा आशीर्वाद देते हुए तमाम पत्रकार साथी हैं, आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं विषय पर आना चाहता हूँ। बंधुओं, या विद्या का मंदिर जिस प्रकार से अपनी संख्या के बदौलत, अपनी शिक्षा के बदौलत इस क्षेत्र में एक अलग प्रकार से स्थान स्थापित कर रही है, निश्चित है उसमें इस विद्यालय के प्रबंधक जो राम सिंह यादव जी हैं, जो हमेशा हमारे साथ हर संघर्षों में कदम से कदम मिलाकर रहते हैं। अभी हमने देखा कि इस गांव की जनता ने क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना, उसके बाद भी ये पूरी तन्मयता से मेरे साथ रहे और विद्यालय का उसने हमेशा मेरे साथ बना रहा, चाहे वह विधानसभा चुनाव में हो, क्योंकि एक छोटे से स्थान से निकल कर जाने के में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा कि आज मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं। निश्चित है इस विद्यालय में जिस प्रकार से दोनों बहनें, भैया बहने ने जो विद्यालय का मान सम्मान, इस धनघटा क्षेत्र का, इस विधानसभा का मान सम्मान बढ़ाया है, निश्चित है प्रशंसनीय है। मैं इस मंच के माध्यम से उन बच्चों को अपार स्नेह आशीर्वाद देते हुए मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि आप सभी उस प्रतिभा को प्रदर्शित करें और अपने अध्ययन कार्य को बढ़ावें और इस विद्यालय में जो इस विद्यालय के शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिकाएं बहने हैं, वह सब भी थोड़ा से परिश्रम को और भी बढ़ावें, क्योंकि यह विद्यालय अगर उस गति में बढ़ा है, आज दो बच्चों का नाम जिले तक पहुंचा है, निश्चित है आगे चल के और भी इस विद्यालय से अच्छी संख्या में जाए। और रही बात विद्यालय के लिए, तो विद्यालय के लिए अभी जो भी राम सिंह भाई जो भी कहेंगे, निश्चित है उसको पूरा किया जाएगा। इन्होंने भी सारे में कहा है कि भवन के लिए तो उसका भी निर्माण कराया जाएगा। और उमरिया चौराहा, क्योंकि हमारा इस उमरिया चौराहे से एक मातृत्व लगाव है, जब मैं 2009 में उमरिया चौराहे पर आया एक कर्मचारी बनकर, तब से लेकर अब तक उमरिया चौराहे का पूरा स्नेह आशीर्वाद बना रहता है। आज जो इन्होंने मंच से कहा है शौचालय के लिए, और उसका व्यवस्था शीघ्र ही मैं करा दूंगा इस विश्वास के साथ। इस विद्यालय में उपस्थित तमाम सारे साथी हैं, सभी साथियों का अभिवादन करते हुए मैं इस माँ सरस्वती के मंदिर में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माँ सरस्वती जी को, आप सभी के शुभकामना ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय कम है, अगले कार्यक्रम में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज यादव हाई स्कूल में 549 नंबर लेकर के जिले में ग्यारहवां स्थान और विद्यालय में दूसरा स्थान लाई है। एक बार सभी अभिभावकों बच्चों सबसे मैं कहता हूँ, आप लोग जोरदार ताली बजा करके इस बच्ची के मेहनत पर आप इसको आशीर्वाद दें। इसको भी कर दिया जाए।